Subscribe to my channel Anamika Joy Singh and also press the bell icon so that you will never miss my new videos. Hi everyone, मैं हूँ अनामिका. Welcome back to my channel. आप सोच रहे होंगे कि आज मैं संडे को कैसे, क्योंकि मैं तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही वीडियो शेयर करती हूँ. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से संडे स्पेशल भी वीडियो आएगा आप लोगों के लिए और इस पे हम बात करेंगे कुछ हटके, कुछ अलग टॉपिक पर. और आज हमारा टॉपिक है कि शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स मेरी तरह, जिनकी हाइट छोटी है, वो किस तरीके के कपड़ों को चूज करें जिससे कि हमारा जो इल्यूजन है हाइट का वो थोड़ा सा बड़ा लगे. यार होता क्या है, जब हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हमें जो अच्छा लगता है हम वो ले आते हैं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है. लेकिन यू नो, जिनकी हाइट छोटी होती है, और मैंने कई बार कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर दूं. मेरी हाइट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट 5.3 है. तो कि वो शॉपिंग करने और मेरे को कोई भी कपड़ा अच्छा लगे और मैं उठा के लेके आ जाती हूँ, फिर क्या होता है मैं पहनती हूँ, फिर मेरे फैमिली वाले या मेरे हस्बैंड या कोई भी मेरा फ्रेंड होगा वो यही बोलेंगे कि यार क्या हो गया, तेरी हाइट और छोटी कैसे हो गई. तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, मैंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है और उसके बाद ही मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. बात बता दूं कि जो लोग लंबे होते हैं, जिनकी हाइट लंबी होती है, उनका जो लोअर पार्ट होता है वो जो है वो लंबा होता है, यानी कि उनकी जो टांगे होती हैं वो लंबी होती हैं. और जिनकी हाइट शॉर्ट होती है मेरी तरह, मैं हमेशा बार बार ये बात बोलूंगी क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और उसमें कोई शर्माने या कोई एम्बेरसमेंट की कोई बात नहीं होती है, आपको बस कुछ ट्रिक्स को अपनाना है. जैसे तो हमें तो मैं ये बता रही थी कि देखिए जिनकी हाइट छोटी होती है उनका लोअर पार्ट जो होता है, इनकी जिनकी जो टांगे होती हैं वो यू नो शॉर्ट होती हैं. तो इसलिए इल्यूजन क्या होता है, हमारी हाइट छोटी है और सामने वाले की हाइट बड़ी है. तो इससे हम क्या समझे कि हमें भी कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि हमारा जो लोअर पार्ट है वो लंबा दिखे, राइट. तो मेन गुरु मंत्र तो यही है कि हमें अपना लोअर पार्ट को लंबा दिखाना है, ठीक है. उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, अब हम शुरू करते हैं. जीन्स लेने जाएं या बॉटम्स लेने जाएं या ट्राउजर्स लेने जाएं तो हम ट्राई करें कि हम लोअर वेस्ट की जगह हम हाई वेस्ट जीन्स को यू नो ज्यादा प्रेफरेंस दें और परचेज करें. उससे हमारा क्या होगा कि हमारे जो लोअर पार्ट है यानी कि हमारी जो टांगे वो लंबी दिखेंगी, उससे हम हमारी जो एक्चुअल हाइट है उससे हम कभी भी छोटे नहीं दिखेंगे, करेक्ट. तो हमको क्या करना है, हमें लोअर पार्ट को लंबा दिखाने के लिए हाई वेस्ट जीन्स, हाई वेस्ट बॉटम्स, और अगर आप लहंगा या आप कुछ यू नो स्कर्ट्स में कुछ बनवाना चाह रहे हो या लेना चाह रहे हो तो वो भी आप हाई वेस्ट ही ले. उससे क्या होगा, आपका लोअर पार्ट लंबा दिखेगा, तो ये इल्यूजन आएगा कि आपकी हाइट लंबी है. अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ, कुर्तीज. कुर्तीज अगर आप पहनते हो तो आपको प्रेफर करना चाहिए ए लाइन कुर्तीज. और उसके अलावा अभी बीच में एक फैशन चला था अनारकली कुर्तीज का, जो यहाँ से कटी होती थी. उससे क्या होता है, अगर आप वो प्रेफर कर लोगे पहनना ना, तो यार वो क्या होगा कि आपकी हाइट का इल्यूजन फिर से छोटा दिखने लगेगा. तो आप क्या कर सकते हो, ऑफकोर्स हमको फैशन के साथ तो चलना ही है, जो ट्रेंड में है वो तो हम पहनेंगे ही. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर हमारी हाइट छोटी है तो हम जो ट्रेंड में है वो ना पहने. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने बुटीक पे जाके स्टिच करा सकते हो. और उसमें क्या कर सकते हो, उनको ये बोल सकते हो कि हमको यहाँ से यानी कि जो हमारा स्टमक पार्ट है वो नहीं हमको कटवाना है, आप उसको थोड़ा ऊपर से, जैसे कि मैंने पहन रखा है, इस तरीके से आप अपने थोड़ा सा आप अपने चेस्ट से ऐसे कटवा सकते हो और इस तरीके से बनवा सकते हो या परचेज कर सकते हो. ऐसे भी बहुत मिलते हैं जिससे क्या होगा आपका अपर पार्ट कटेगा नहीं और नीचे का पार्ट भी आपका लंबा दिखेगा. तो आप जब भी कुर्तीज लेने जाएं तो आप ये देखें कि ऐसा नहीं हो कि वो आपके लोअर पार्ट और अपर पार्ट को डिवाइड कर रहा हो. अगर वो ऐसा हो जाएगा तो आपका इल्यूजन फिर से छोटा दिखने लगेगा. आपका जो लोअर पार्ट है उसको बस हमें लंबा दिखाना है. आप समझिए 40-60% से समझिए. आप अगर लोअर अपने अपर पार्ट को काट देंगे, बीच में से काट देंगे, तो वो ऑफकोर्स आपको छोटा दिखाने लगेगा. इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको 60% यानी कि आपका लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाना है और हमको डिवाइड नहीं करना है. अलावा आप अवॉइड करें ब्रॉड प्लाजोज. आप ब्रॉड प्लाजोज की जगह सिगरेट पैंट्स ले सकते हैं. यू नो ट्राउजर्स प्लस कुर्तीज बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत इल्यूजन क्रिएट करता है, आपकी हाइट को थोड़ा लंबा दिखाता है. ले सकते हो जिनका जो बॉटम है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होता है. हम बात करते हैं लेगिंग्स की. अगर आप लेगिंग्स पहनते हो कुर्ती के साथ, सबको ही पहनते हैं लेगिंग्स तो, लेकिन आप अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप क्या कर सकते हो, आप एंकल लेंथ की लेगिंग्स को ले सकते हो. आप जो चूड़ीदार लेगिंग होती है उसको अवॉइड करें, उसको ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि अगर आपकी एंकल लेंथ दिखती है और एंकल लेंथ की जो लेगिंग्स होती है या जीन्स होती है, इनफैक्ट आप जो एंकल लेंथ की अगर आप जीन्स पहनोगे तो भी उसमें आपकी हाइट ज़्यादा दिखती है, तो एंकल आपका शो होगा तो आपकी हाइट ज़्यादा दिखेगी. हाई नेक
मत पहनो, क्योंकि हाई नेक से आपका ये जो नेक होता है वो दब जाता है। एक नेक से भी हमारी हाइट का इल्यूजन थोड़ा बड़ा दिखता है, इसलिए आप हाई नेक की जगह आप ब्रॉड नेक्स पहन सकते हो, आप वी नेक्स पहन सकते हो, इससे भी आपका हाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है और आप थोड़ा लंबे दिखते हो। अगर आप सेम कलर के कपड़े पहनते हो, यानी कि अगर आप बॉटम भी आप ब्लैक पहना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई है और अगर आपने ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है, तो भी आपकी हाइट ज्यादा लगती है। इसी तरीके से कुर्तीज में हम बात कर लेते हैं, अगर आपने पिंक कलर का कुर्ती पहने हो और पिंक कलर का प्लाजो पहना है नीचे, तो भी हमारी हाइट ज्यादा दिखती है। उससे फिर से वही बात मैं आपको रिपीट करूंगी कि हमारा जो बॉटम और लोअर पार्ट डिवाइड नहीं होता है और हमारी जो हाइट है वो इल्यूजन क्रिएट होता है थोड़ा लंबा होने का। क्या होता है, जिनकी हाइट छोटी होती है वो स्कर्ट नहीं पहन पाते, क्योंकि स्कर्ट से और ज्यादा हाइट छोटी लगने लगती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि आप हाई वेस्ट की स्कर्ट ले सकते हैं और उसके ऊपर क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। सिमिलरली आप जीन्स में भी ऐसे ही कर सकते हैं, हाई वेस्ट की जीन्स और क्रॉप टॉप्स पहन सकते हैं, आजकल ट्रेंड में भी बहुत ज्यादा है। इससे हमारे हाइट का इल्यूजन, यानी कि हमारी जो टांगे होती है वो लंबी दिखती है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक पर्सनल बात शेयर करती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत हाइटेड है, उनकी हाइट है 6 फीट, मैं 5.3, तो देख सक समझ सकते होगे कि हम लोगों में कितना गैप है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ तो ऑफकोर्स ड्रेस के साथ तो चूज करना ही पड़ता है, इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। और हेयर स्टाइलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हाई बन बना सकते हो, हमारा हाइट थोड़ी सी लंबी दिखती है। और इसके अलावा आप हाई पोनी बना सकते हो विथ पफ, तो उससे भी हमारी हाइट लंबी दिखती है। तो ये तो था ये पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया कि शॉर्ट हाइटेड जो गर्ल्स हैं वो किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकती हैं और अपनी जो एक्चुअल हाइट है उससे कभी वो छोटी नहीं लगेंगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर कर दूं, आप छोटे हो, आप लंबे हो, आप मोटे हो या पतले हो, कैसे भी हो, बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी, आप जैसे भी हो बेस्ट हो, राइट? किसी के लिए कभी भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ऑफ कोर्स हम स्टाइलिंग से अपने आप को फैशन ट्रेंड्स के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज का वीडियो रैप करती हूँ और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले संडे भी मैं कोई स्पेशल सा वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी संडे, बाय बाय।